बहुत स्वागत आपका, तेज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूँ कुमकुम, सुनीता और शिफाली। हम तीनों आपको बताने वाले हैं 27 जुलाई की दरमियानी रात, या फिर ये कहें रहस्यमय रात की बात। बात हम कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की, क्योंकि हाल फिलहाल में तो उससे बड़ी कोई खबर है नहीं और उससे रहस्यमय खबर कोई घटने भी वाली नहीं है। जी हाँ, चंद्र ग्रहण पर वैज्ञानिक अपनी अलग राय रखते हैं और ज्योतिष अपनी अलग राय रखते हैं। ज्योतिष में ग्रहण को अशुभ माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक ग्रहण को कई खोज के रास्ते की तरह देखते हैं। तो इस बार का चंद्र ग्रहण दोनों के कौतूहल का विषय बना हुआ है, इसलिए आज हम बात इसी पर करेंगे। वैसे चंद्र ग्रहण लगभग हर साल लगता है, हर साल चंद्र ग्रहण को लेकर हम आपको सावधान भी करते हैं, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण कोई आम चंद्र ग्रहण नहीं है। ये चंद्र ग्रहण इस सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है, सबसे चमत्कारी और रहस्यों से भरा हुआ चंद्र ग्रहण है। हम आज आपको इसी चंद्र ग्रहण से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे। देखिए, घटने वाली है सदी की एक ऐसी घटना जिसके गवाह आप बनेंगे। आप बनेंगे एक ऐसी रात के गवाह जिसने अपने समंदर में समेटे हैं कई रहस्य, ऐसे रहस्य जिनसे जुड़ी बातें उत्सुकता पैदा करती हैं। आप पूछेंगे वो कौन से रहस्य हैं जिनका संबंध 27 जुलाई की रात से है, या कहें कि ऐसे कौन से रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं जो 27 जुलाई की रात को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण से जुड़े हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। इस रात का पहला रहस्य तो यही है कि इसमें पड़ने वाला है सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण। यह लगभग 3 घंटे 54 मिनट का रहेगा। इस सदी में 3 घंटे 54 मिनट तक रहने वाला चंद्र ग्रहण नहीं होगा, वो भी अगले 50 साल तक। कहा तो यह भी जा रहा है कि सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण आज से 1700 साल पहले पड़ा था। यानी आप एक ऐसी घटना के गवाह बनेंगे जो शायद आपके पुरखों ने भी नहीं देखी। यही नहीं, आगे आने वाले समय के बारे में बताया जा रहा है कि इस ग्रहण के बाद साल 2099 तक दोबारा इतना लंबा चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा। 27 जुलाई की रात को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण से जुड़ा दूसरा रहस्य है, इस चंद्र ग्रहण को चंद्रमा खूनी दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि लाल दिखाई देगा, ब्लड मून यानी खूनी चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान बनने वाले चंद्रमा के रिंग को कहते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान चांद लाल यानी ब्लड मून नजर आने वाला है। दरअसल पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चांद जब धरती की छाया में रहता है तो उसकी आभा रक्तिम यानी लाल हो जाती है, जिसे रक्तिम चंद्र या लाल चंद्र कहते हैं। ऐसा तब होता है जब चांद पूरी तरह से धरती की आभा में ढक जाता है। ऐसे में भी सूरज की लाल किरणें स्कैटर होकर चांद पर पहुंचती हैं, इसी को ब्लड मून कहा जाता है। इस चंद्र ग्रहण का तीसरा रहस्य यह है कि सदी के इस सबसे लंबे चंद्र ग्रहण के दौरान मंगल ग्रह भी पृथ्वी के काफी करीब आ जाएगा, यानी लगभग दोनों धरती के करीब रहेंगे और चंद्र पर तो ग्रहण लगेगा ही। चंद्र ग्रहण की रात को मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा। अगर आसमान साफ रहा तो मंगल ग्रह साफ तौर पर दिखाई भी देगा। उस दिन मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान मंगल से पृथ्वी की निकटता 15 साल पहले भी बनी थी। इस चंद्र ग्रहण का चौथा रहस्य ये है कि इस दिन है गुरु पूर्णिमा। ज्योतिष के लिहाज से इसे काफी रोचक माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले लगभग 18 साल पहले चंद्र ग्रहण के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व पड़ा था। ऐसे में यह संयोग भी ज्योतिष से जुड़ा है। इस बार गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर चंद्र ग्रहण अपने भीतर कई गंभीर और गहरे संकेत समेटे हुए है। आत्मिक और मानसिक उन्नति के लिए यह ग्रहण बहुत ही उत्तम माना जाता है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि धार्मिक गुरुओं के लिए यह ग्रहण बुरे दिन लेकर आने वाला है। इसके अलावा 27 जुलाई को घटने वाली रहस्यमय रात का पांचवा रहस्य ये है कि इस सदी में यह चौथा पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जो कई धार्मिक किताबों के मुताबिक विनाश का संकेत है। ईसाई धर्म की धार्मिक किताब बाइबल में चंद्रमा का जिक्र है। चंद्र ग्रहण को धरती के विनाश का संकेत माना गया है। ब्रिटेन की एक वेबसाइट में बाइबल की इन बातों का उल्लेख किया गया है। क्रिश्चियन मिनिस्टर जॉन हेगी और मार्क लिट्स ने आशंका जाहिर की है कि 4 बार लगातार चंद्र ग्रहण का पड़ना धरती के लिए विनाश का संकेत है।
पहले सबसे लंबा चंद्र ग्रहण 14 अप्रैल 2014 को पड़ा था, इसके बाद 8 अक्टूबर 2014 को हुआ था, फिर इसके बाद 28 सितंबर 2015 को चंद्र ग्रहण पड़ा और अब 27 जुलाई को चंद्र ग्रहण आया है। माना जा रहा है कि सदी में लगातार 4 लंबे चंद्र ग्रहण विनाश के संकेत हैं। तो ये वो 5 महारहस्य हैं जिनसे आप अभी तक अनजान थे। ये वो रहस्य हैं जो 27 जुलाई की रात को बहुत खास बना रहे हैं। वैज्ञानिक और ज्योतिषी इस चंद्र ग्रहण को लेकर अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं, यही बात इस चंद्र ग्रहण को बेहद खास बनाती है। तो 27 जुलाई की रात होने वाली है रहस्यमयी रात, क्योंकि सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चलिए आपको बताते हैं क्यों इस बार का चंद्र ग्रहण है बेहद खास। दरअसल इस बार जो चंद्र ग्रहण है उसकी जो टाइमिंग है यानी कि जो समय है वो काफी लंबा है। तो 27 जुलाई को सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण लगने वाला है और चंद्र ग्रहण की रात मंगल भी पृथ्वी के काफी नजदीक होगा। तो न सिर्फ चंद्र ग्रहण बल्कि मंगल और ज्यादा करीब आ रहा है, इसलिए ये जो खगोलीय घटना है ज्योतिष लिहाज से बहुत अहम हो जाती है। आसमान अगर साफ रहा तो मंगल ग्रह उस रात साफ साफ नजर आ सकता है। सोचिए वैज्ञानिकों के लिए कितना बड़ा मौका है ये। एशिया यूरोप के कई हिस्सों में चंद्र ग्रहण दिखेगा, साफ साफ दिखेगा, और बस अब इंतजार इसी बात का है, देखना यही है कि क्या आसमान वाकई पूरी तरह से साफ होता है। वैसे इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो ब्लड मून होगा। ब्लड मून होगा, सुनने में भले डरावना लगे लेकिन ब्लड मून चांद क्या खूबसूरत चांद होता है। कहते हैं कि चांद अपने शबाब पे होता है जब लाल रंग का होता है। चंद्र ग्रहण पर चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा, बेहद ही खूबसूरत दिखाई देगा चंद्रमा। चंद्र ग्रहण की अवधि 3 घंटे 55 मिनट की है, इसीलिए हम कह रहे हैं सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण। सोचिए एक ऐसी घटना के गवाह बनने वाले हैं जो आपकी सदी में फिर दोबारा कभी नहीं होने वाला। सूतक 27 जुलाई 2:54 पर होगा। सूतक का वक्त जो कि खासतौर पर बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है, खासतौर पर एहतियात बरतने के लिए यहाँ पर ज्योतिष इस वक्त में कहता है। ग्रहण की शुरुआत 27 जुलाई की रात 11:54 पर हो जाएगी, यानी कि 12 बजने में कुछ मिनट पहले, और चंद्र ग्रहण 28 जुलाई की दरमियानी रात करीब करीब 3:50 के आसपास कह सकते हैं, 3:49 आप कह दीजिए अगर एक्यूरेट वक्त, तो फिर ये कहा जाएगा। तो ये माना जाएगा कि आधी रात जो है पूरी वो चंद्र ग्रहण के बीच कटेगी। बिल्कुल कुमकुम, तो सदी का सबसे चमत्कारी चंद्र ग्रहण लगने वाला है, सबसे लंबी अवधि तक ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है, और जिस किसी को भी ये जानकारी मिल रही है वो रोमांच से भरे जा रहा है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण जो भी देखेगा वो अपने आने वाली पीढ़ी को ये रोमांचक घटना के बारे में जरूर बता पाएगा। इसकी खास बातें क्या रही ये हमने आपको बता दिया, लेकिन अब हम आपको बताएंगे ज्योतिषीय रूप से चंद्र ग्रहण का क्या असर राशियों पर पड़ेगा। देखिए जिस तरह से वैज्ञानिक लिहाज से ये चंद्र ग्रहण बहुत खास है, ठीक उसी तरह से ज्योतिषीय लिहाज से भी इस चंद्र ग्रहण को बहुत खास माना जा रहा है। ज्योतिषियों की माने तो इस बार का चंद्र ग्रहण बहुत लंबी अवधि तक रहने वाला है, ऐसे में उसका असर भी धरती और उसके रहने वालों पर गहरा पड़ेगा। ज्योतिषियों के मुताबिक चंद्र ग्रहण मेष और वृषभ राशि के जातकों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। ज्योतिषियों के मुताबिक चंद्र ग्रहण मेष और वृषभ राशि के जातकों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, जबकि अन्य राशियों पर मिला जुला असर पड़ सकता है। चलिए अब आपको राशिवार बताते हैं कि इस बार का चंद्र ग्रहण क्या असर दिखाने वाला है। मेष राशि पर चंद्र ग्रहण का असर शुभ रहेगा, ये चंद्र ग्रहण धन लाभ दे सकता है। वृष राशि के लोग ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करें, नौकरी के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। मिथुन राशि वालों को कहीं से एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है, सेहत के मामले में बिगड़ेंगे। कर्क राशि के लिए चंद्र ग्रहण दुखद समाचार दे सकता है, काफी परेशानियां आ सकती हैं। सिंह राशि के लिए चंद्र ग्रहण मिला जुला असर देगा, अच्छा समाचार मिलेगा, परिवार में तनाव बढ़ सकता है। कन्या राशि के लिए चंद्र ग्रहण कोई विशेष लाभ नहीं देगा, शिव की उपासना करना शुभ रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण व्यापार में लाभ दिलाएगा, प्रॉपर्टी के बिजनेस में लाभ हो सकता है।
वृश्चिक राशि पर ग्रहण का असर मिला जुला रहेगा, आपको तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। धनु राशि के लोगों को पैसे से जुड़ी परेशानियां रहेंगी, घर के सदस्यों के बीच अनबन हो सकती है। मकर राशि पर चंद्र ग्रहण का सबसे बुरा असर दिखेगा, पैसे का नुकसान और मानसिक तनाव होगा। कुंभ राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण का नकारात्मक असर दिखेगा, मानसिक और शारीरिक समस्या होगी। मीन राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण का कोई विशेष असर नहीं होगा, सेहत के मामले में परेशानियां आएंगी। तो ये चंद्र ग्रहण राशियों पर कैसा असर दिखाएगा ये हमने आपको बताया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि आप चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा आराधना में समय बिताकर चंद्र ग्रहण के असर को कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार का चंद्र ग्रहण गुरु पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है। क्या होगा उसका असर, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो आने वाली है सदी की सबसे रहस्यमयी रात। जी हां, 27 जुलाई की रात जब लगेगा सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण। क्या असर इस चंद्र ग्रहण का आप पर और आपके अपनों पर होगा, लगातार तेज पर हम आपको ये बताते रहेंगे इसका वैज्ञानिक और ज्योतिष पहलू। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। 27 जुलाई और 28 जुलाई की दरमियानी रात में केवल तेज आपको बताएगा हर वो चीज जो कि आपके लिए जाननी जरूरी है। जी हाँ, राष्ट्र तक पर भी आप सारी की सारी अपडेट इससे जुड़ी पा सकते हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम तीनों को दीजिए इजाजत, देखते रहिए तेज। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।